Hello friends, welcome to IT Programming. This is Krishna Rajput, stay tuned with IT Programming World. So, दोस्तों आज हम जानने सीखने वाले हैं कि आप SQL सर्वर में आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है? मैं अपने सिस्टम में SQL सर्वर का 2014 वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप देखते हैं। मैं एक बार कनेक्ट करके फिर से आपको दिखाता हूँ SQL सर्वर को, ठीक है? आप एक बार देख लीजिए, मैंने डिसकनेक्ट किया इसको, अब मैं दोबारा से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, सर्वर ने माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2014 इंस्टॉल है, ये मेरा सर्वर नेम है, ठीक है? जो मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन से मैं इसको लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए कनेक्ट हो गया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है हमें। इसमें कोई डेटाबेस अभी नहीं है, अभी मेरे लिए कुछ डिफॉल्ट डेटाबेस होता है इसके अंदर जो हमें यूज नहीं करना, इसमें नहीं करते हैं हम। बेसिकली मास्टर डेटाबेस होते सिस्टम डेटाबेस के अंदर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा मास्टर मॉडल MSDB एंड TempDB, ये चार जो होता है ये डिफॉल्ट होते हैं इसमें, ठीक है? तो बेसिकली हम इसका कम ही यूज किया करते हैं। अपना खुद का डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है इस सर्वर के अंदर, तो इसके लिए आपको क्वेरी लिखना होता है, क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम जैसे मैंने लिखा है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, NIT प्रोजेक्ट, तो NIT का प्रोजेक्ट है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने डेटाबेस का नाम मीनिंगफुल रखा है, ठीक है? आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैनुअली विदाउट एनी क्वेरी लिखे हुए, ठीक है? आपको पता है कि SQL सर्वर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है? जिसमें कि आप क्वेरी लिख करके आप किसी भी जो डेटाबेस है उस चीज को क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों आगे कि आपको आगे कैसे करना है। जैसे आपने ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, इस चीज को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ये मैसेज आएगा, कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है? जैसे आप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे NIT प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया NIT प्रोजेक्ट, यानी कि अब डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस के अंदर जाइए और देखिए यहाँ पे NIT प्रोजेक्ट के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आप इसे एक्सपेंड करते हैं, टेबल्स के अंदर जाएंगे तो कुछ भी सिस्टम टेबल्स यानी कि डिफॉल्ट जो टेबल्स है वो इसमें नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो अभी हमने टेबल क्रिएट नहीं किया है, आगे बताते हैं आपको टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस जो मैंने क्रिएट किया उस चीज को मैं यूज कर लेता हूँ, यानी कि उस डेटाबेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस डेटाबेस को सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं यूज और डेटाबेस का नेम, ठीक है? इससे क्या होता है, हमारा डेटाबेस यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो यदि नहीं सेलेक्ट करते हैं तो वो जो टेबल क्रिएट कर देंगे वो पहले वाला जो डिफॉल्ट डेटाबेस उसमें जाके क्रिएट होता रहेगा, ठीक है? मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे आते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है क्रिएट टेबल का टेबल एंड टेबल का नेम, जैसे मुझे एम्प्लॉय का डिटेल मुझे करना है, ठीक है? एम्प्लॉय लॉगिन मैं बना रहा हूँ कि एम्प्लॉय लॉगिन करें, तो हमने लिखा EMP लॉगिन, ठीक है? टेबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए आपका। अब जैसे लॉगिन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय ID, ठीक है? एम्प्लॉय ID मैंने लिया, वेरिएबल नेम, अब डेटा टाइप लेते हैं कि वो किस तरह का होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए डेटा टाइप होता है वैर का, और इसमें मैंने साइज दे दिया 100, ठीक है? अब ID जो होता है वो हमेशा प्राइमरी की होता है, ठीक है? प्राइमरी की है और इस प्राइमरी की हमेशा क्या होता है, नॉट नल होता है, ठीक है? तो नॉट नल कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम EMP सिर्फ पासवर्ड, ठीक है? पासवर्ड भी आपका वैर का डेटा टाइप आप लिए, इसका भी साइज आपने 100 कर दिया, इसको भी हम नॉट नल कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी लिया हमने, पासवर्ड लिया, इसका डेटा टाइप असाइन कर दिया, उसका साइज असाइन कर दिया और उसको हमने नॉट नल कर दिया। एम्प्लॉय आईडी जो है ये प्राइमरी की है इसलिए ये भी नॉट नल होगा। अब टेबल को मैं सेलेक्ट करके अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखिए सेलेक्ट किया मैंने यहाँ तक, अब इसको मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ, या F5 भी करेंगे तो ये आपको मैसेज हो जाएगा कमांड्स सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है? अब जैसे आपको देखना है कि टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, इसके लिए आपको क्वेरी लिखना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
emp login, देखिए टेबल क्रिएट हो गया है और मैंने इसको सेलेक्ट किया फिर से और फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। देखिए हमारे पास दो यहाँ पे एट्रीब्यूट आ गया है, एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड। अब बात आती है कि जो टेबल क्रिएट हो गया, इस टेबल के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे आप, ठीक है। छोटा सा मैं आपको प्रोजेक्ट भी आज दिखाने वाला हूँ कि आप नेटबीन पे कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इसमें लिखते हैं हम इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, जो टेबल आपने रखा ई एम पी लॉगिन, देखिए टेबल नेम आ गया ऑटोमेटिक। अब इसके अंदर जो वैल्यूज आपको देना है वो वैल्यू, ठीक है। अब ये वेयर कह रहे हैं तो एम्प्लॉय आई डी, आई डी जो है हम यहाँ पे रखते हैं E100, तो ये क्या हम स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू दे रहे हैं और इंटीजर भी है, तो ये स्ट्रिंग इंटीजर है तो इसके लिए सिंगल कोट्स देना पड़ेगा हमें E100, ठीक है, हमने ये रखा। उसके बाद हम क्या कमा लगा करके पासवर्ड रखना हमें, पासवर्ड हम रख रहे हैं यहाँ पे पास, ठीक है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, देखिए इसको इंसर्ट वाली क्वेरी को मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या गया वन रो इफेक्टेड। अब जैसे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाला क्वेरी में चलाऊंगा तो उसमें दिखा देगा कि वैल्यू इंसर्ट हो गया, देखिए E100 एंड पासवर्ड में पास, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल के अंदर, उस डेटाबेस को कैसे हम यूज क्वेरी के थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल किस तरह का होना चाहिए, यदि प्राइमरी की है तो वो नोट नल होगा, ये दूसरा हमने पासवर्ड लिया तो उसको भी हमने नोट रहा, यानी कि वो खाली नहीं जाएगा वैल्यू उसमें, ठीक है। अब सेलेक्ट की क्वेरी कैसे यूज करते हैं कि पूरा टेबल को कैसे रिट्रीव करना, सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल डेटा फ्रॉम किस टेबल से, इस टेबल से एम्प्लॉय लॉगिन से। अब उस टेबल के अंदर हमने डाटा इंसर्ट किया तो इंसर्ट की क्वेरी होती है, जो हमने यहाँ पे किया हुआ इंसर्ट इंटू एम्प्लॉय लॉगिन, किस टेबल में इंसर्ट करना है, जो टेबल का नेम है, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज आपको देना उसमें, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू दिया है तो E100, ठीक है, एंड कमा लगा कि ये स्ट्रिंग टाइप है पास, तो इसको सिंगल कोट्स के साथ हमने रखा, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। अब दोस्तों आते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा एप्लीकेशन, जैसे लॉग इन का एप्लीकेशन बनाते हैं हम इसमें, ठीक है, मैं नेटबिन यूज कर रहा हूँ, देखिए नेटबिन मैंने यूज किया है, नेटबिन में मैं यहाँ पे जीएसपी के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं। तो आप देखते हैं वेब पेजेस, मैंने प्रोजेक्ट पे गए नेटबिन के अंदर, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, तो इसमें index.html का पेज इसमें ऐड है, ठीक है। index.html के पेज में मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म के अंदर गए, इसमें एक्शन परफॉर्म करवाना हमें, ठीक है, फॉर्म को क्लोज किया, इस स्टेप को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसको इसमें पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, इस स्टेप को यहाँ से। अब इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें एट्रीब्यूट चाहिए, जैसे इनपुट टाइप में हमें चाहिए टेक्स्ट, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू EID, क्लोज कर दीजिए इसको। दूसरा एक इनपुट टाइप ले लेते हैं पासवर्ड के लिए, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड नेम इक्वल टू पास, ठीक है, इसको क्लोज किया हमने। अब हमें क्या लेना है, BR से इसको ब्रेक कर दीजिए, BR से ब्रेक कर दीजिए ताकि स्पेस बन जाए इसमें। अब हमें क्या लेना है, एक बटन लेना सबमिट के लिए, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू इक्वल टू लॉग इन, देखिए बटन मैंने ले लिया है। अब ये जैसे इस डिजाइन को आप इसको सेव कर देते हैं, राइट क्लिक करके आप एक इसको
फाइल को एक बार रन करके देख लीजिए कि फाइल कैसा बना है। ठीक है, फाइल देखिए यहाँ पे एनआईटी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे रन हो रहा है। देखिए प्रोसेस है, अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा रन होने में। यहाँ पे सब चीज़ दिखाएगा कि सिक्योरिटी अपाची सर्वर ये स्टार्ट हो गया है, जो भी सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। एम्प्लॉय लॉगिन टाइटल में दे दिया मैंने एम्प्लॉय लॉगिन। ठीक है, ये रन हो जाएगा ऑटोमेटिक, हमें पता चल जाएगा। तब तक हम एक जेएसपी का पेज ऐड कर लेते हैं वेब पेजेस के अंदर। ठीक है, वेब पेजेस के अंदर गए हम, एक जेएसपी पेज ऐड कर लेते हैं। जेएसपी पता है, जावा सर्वर पेज होता है जिसमें कि आप जावा प्लस एचटीएमएल की कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जेएसपी का दे दिया हमने, पेज का नेम दे दिया लॉगिन। ठीक है, नेम दे दिया हमने लॉगिन। अब एक्शन में जो हमने लिखा है, यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, एच टी एम एल के एक्शन में जाकर के लॉग इन लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जीएसपी पेज क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब आप इसमें चले जाइए और एक्शन में लिख दीजिए जो आपने जीएसपी का पेज का नाम दिया है। ठीक है, लॉग इन हमने लिख दिया, इसको सेव कर दीजिए। अब जीएसपी पेज में जाने के यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए टैग यूज करते हैं, आपको होगा ये और सिंटेसिस का टैग यूज करते हैं हम। ठीक है, क्लोज करने के लिए आपको टैग यूज करते हैं। इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट जो भी आपको रखना है, जैसे हमने रखा है स्ट्रिंग। अब ये जावा फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो ये पब्लिक अलाउ एक्सेस का मांग रहा है, वैसे अलाउ एक्सेस कर दीजिए पब्लिक में, कर दिया इसको अलग से। देखिए स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये देखा आपको गेट पैरामीटर हम यहाँ पास कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ई आई डी और पासवर्ड के लिए हमें दो वेरिएबल बनाना है। ठीक है, पैरामीटर पास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रन हो गया प्रोग्राम हमारा, देखिए आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ये रन हो गया। ठीक है, इस तरह का व्यू है। अभी हमने कुछ डिजाइनिंग वगैरह नहीं किया है तो हम आगे बैक टू प्रोग्राम आते हैं। देखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट कंट्रोल गेट, देखिए गेट पैरामीटर आ गया। ठीक है, पैरामीटर के अंदर आपको वो नेम पुट करना है जो आपने इंडेक्स डॉट एस टी एम एल के अंदर डाल रखा है। ई आई डी हमने दिया है तो यहाँ पे नेम में हम ई आई डी देंगे। ठीक है, ई आई डी दिया। दूसरा हम पासवर्ड के लिए बनाएंगे स्ट्रिंग पास इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हमने। देखिए दोस्तों, मैं आपको